हेलो डियर इंजीनियर्स, जैसा कि आप देख रहे हो आज मैं आया हूँ इस कुछ पार्टी के बीच में। कुछ यहाँ रसगुल्ले रखे हुए हैं, कुछ चाउमीन वगैरह खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या सिविल गुरु जी ऐसा भी कराती है क्या? हाँ बिल्कुल कराती है, जिस दिन आप प्लेस हो जाते हो। तो इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, मतलब मैक्सिमम इंजीनियर प्लेस हो चुके हैं हमारा। हमारा अरफाज भी, ये हमारा सर भी, कुंदन भी, वहाँ से वो भी, मतलब मैक्सिमम इंजीनियर सब प्लेस हो चुके हैं। और इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स हैं भी नहीं, जैसे सौरभ सर का प्लेसमेंट हो गया, पर सौरभ सर घर चले गए है ना। और भी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो यहाँ नहीं अवेलेबल है, क्योंकि रात के 8 बजे हैं। ये लोग मुझको बाहर ले जाना चाहते थे, पर मेरा काम है, मैं नहीं जा पाया। तो ये लोग छोटी सी पार्टी अरेंज की है, और देखो ये रसगुल्ले बिना पूछे उठा उठा खा रहे हैं, है ना। बस भाई चीटिंग नहीं करना। तो मैं सोच रहा हूँ इनसे सबको मिलाऊँ। कितने कितने लोग की जॉब लग गई है अभी? हाथ उठाओ। इन लोग को आपने वीडियो में पहले देखेगा, वो वीडियो की कटिंग मैं डाल रहा हूँ, आपने इनको पहले भी वीडियो में देखा होगा, जिनमें इन्होंने वादा किया था। आप लोगों ने सब वादा किया था ना? क्या वादा किया था? कितने लोग को लगता है मुझे जॉब दिलाना पड़ेगा, और कितने लोग को लगता है मैं छीन लूँगा? प्लीज रेज योर हैंड। यही एनर्जी चाहिए लास्ट में, सबसे मिलवाऊंगा। क्या सिविल गुरुजी कभी बोलता है कि मैं जवाब दिलाऊंगा? आप लोग को किसी को काउंसिलिंग में बोला था क्या? नहीं सर। कोई भी एक सिंगल बंदा बोला था क्या नहीं जवाब दिलाऊंगा? तो आप लोग भी जितने देख रहे हो और जिनको लग रहा होगा कि मैं जवाब दिलाऊंगा और इस भरोसे आते हो, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है मसाना। और आप रिजल्ट देख रहे हो, कौन सा महीना है आपका? अगस्त मंथ में मैक्सिमम इंजीनियर आप देख रहे हो, इतने सारे इंजीनियर्स का प्लेसमेंट हो गया। थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। अरफाज सर किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ आपका? नित्या बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। नित्या बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। क्या अभी आपका वहाँ डेजिग्नेशन क्या है? साइट इंजीनियर। किस लोकेशन में? इंदौर। इंदौर में। क्या बात है सर, कैसा फील कर रहे हो? जब पहले दिन आए थे और अभी में क्या अंतर आया? नहीं पहले दिन आए थे तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, आज क्या फील कर रहे हो? आज खुद पे कॉन्फिडेंट लग रहा है जॉब मिलने के बाद। तो आप 2 महीने में सीखे क्या? बहुत कुछ सीखे सर, जो कॉलेज में नहीं सीख पाए उससे ज़्यादा सीख। अफ्ताब जी आप जब आए थे आपने मुझसे काउंसलिंग किया था, तो क्या मैंने आपको प्रॉमिस किया था जॉब दिलाऊंगा? नहीं सर, जॉब के लिए तो नहीं कहा था। जब पहले दिन आप आए थे लेआउट के दिन मैंने जॉब दिलाने के लिए बोला? नहीं था? उस दिन भी नहीं कहा था। इनकी एक कटिंग है जो मैं आपको वीडियो में लगा दूंगा, आप देखिएगा पहले दिन मैंने क्या बोला था। नहीं पढ़ोगे 0.00001% कोई गारंटी नहीं, पैसा बर्बाद। इनको कड़वा बोलता हूँ मैं, जितने लोग का काउंसलिंग किया हूँ किसी को बोला हूँ क्या मैं जॉब दिलाता हूँ? सिंगल पर्सनालिटी नहीं बोला ना। मैं क्या बोला हूँ भाई, बस उस लायक बना दूंगा ना कि तुम तबाही मचाओगे। और सर जिस तरह से आप लोग को पढ़ाएंगे उससे आप खुद ब खुद सीख जाओगे और जॉब पा ही लोगे। पक्का? पक्का सर। रिजल्ट है क्या? रिजल्ट है सर। अच्छा कौन सी कंपनी में लगी आपकी? सर 2 कंपनी अवेलेबल है मेरे लिए, बिल्डकॉम नितिकिया बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड और डीसीएम टेस्ट लैब। मेरे पास दोनों चॉइसेस खुली हुई, हम चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए। मैं बोल रहा हूँ हर जगह यदि आप मेहनत करोगे तब आपको जॉब मिलेगा। मेहनत से ज्यादा क्या जरूरी है? कॉन्फिडेंस सर। कॉन्फिडेंट, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे उतना अच्छी जॉब ले जाओगे। बात मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि सर जब आपने बोला कि मैंने इंटरव्यू दिया, ठीक है, आपने कहा कि कॉन्फिडेंस से बोलना, कि अगर आप बोल नहीं पाओगे, अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो सामने वाला बंदा नहीं समझ पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सब लड़के को आता है, वो पूरे अच्छे से पढ़े हैं, मतलब उनको A to Z आता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते, अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? तो जिस मोटिव से आए थे वो मिला क्या? सर मोटिव मेरा पूरा हुआ। अनु कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से बड़े दिन तो बहुत पहले दिन जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा है सर। तो बिहार से जिस मोटिव से आए थे क्या वो मोटिव क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल क्लियर। किस कंपनी में जॉब लगी है? मेरा डीसीएम टेस्ला लैब का है। तो उसमें क्या आपकी पोस्ट? जूनियर इंजीनियर इंस्पेक्शन करना है मुझे। क्या मैंने आपको बोला था जॉब दिलाऊंगा? नहीं आपने बोले नहीं थे, बट हम यहाँ मतलब कॉन्फिडेंस आया था कि मैं यहाँ जाऊँगा तो कहीं ना कहीं सफल हो करके आएंगे। तो आज तो आपकी लास्ट दिन है। हाँ। और आपने जो प्यारी सी पार्टी दी है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो जो इंजीनियर्स देख रहे हैं बहुत माइंड में, हमें ना बहुत इंजीनियर्स ऐसे बोलते हैं, अब आप लोग जैसे आप लोग मेरे कि अब लास्ट सर के यहाँ जाऊँगा जॉब मिल जाएगी, क्या ऐसा फिक्स है क्या? नहीं ये मैटर नहीं करता सर, यहाँ मैटर करता है आपका ज्ञान हो जाएगा तो आप कहीं भी उखाड़ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको यहाँ मैं सर्टिफिकेट भी नहीं दूंगा, यदि आप पढ़ोगे नहीं, असाइनमेंट नहीं सबमिट करोगे तो बाद में क्या होता है सर? सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्विज होता है। और मैं सर्टिफिकेट भी नहीं देता, हाथ जोड़ के निवेदन है केवल सर्टिफिकेट लेने आना, मत आना माँ बाप का पैसा लगाने, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा आता है। तो आप देखोगे यहाँ प्लेसमेंट, यहाँ प्लेसमेंट, यहाँ प्लेसमेंट। अब चलते थोड़ा अभिजीत के पास, ये लखनऊ से आए थे मेरे पास। अभिजीत जब पहले दिन आए थे आप है ना, अभी बैठे हो, तो पहले दिन किस मोटिव से आए थे और अभी क्या मिला?
सर हम लोग जैसे 4 साल कॉलेज में पढ़े तो हम लोग का उस टाइप का नॉलेज नहीं मिला, साइड नॉलेज क्या होता है, क्या वर्क क्या होता है, साइड इंजीनियर का क्या करना पड़ता है। तो हम लोग 2 महीने में आए तो 2 महीने हम लोग मालूम चला कि ये होता है, तो मतलब अच्छे से हम लोग यहाँ पर स्किल ले लिए, मतलब अपना जॉब भी पकड़ लिए कि हाँ कॉन्फिडेंस के साथ ये। बहुत बढ़िया। अब हमारे कथागत है, फिर इनको हम विदा कर दें, कथागत 2 मिनट के लिए। एक कथागत सर हैं और इनको जल्दी में क्या हुआ क्योंकि इनकी ट्रेन है, इनकी कल से ज्वाइनिंग है। तो कथागत सर एक चीज़ बताइए, लोगों के माइंड में हमेशा एक डाउट रहा, क्या डाउट रहा है कि सर कितने की जॉब मिलेगी, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये अपना परफॉर्मेंस के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर। आपको जो जॉब मिली है तो आपके ऊपर डिपेंड किया ना, इंटरव्यू में कौन बोला? इंटरव्यू हम ही दिए। कौन सी कंपनी है सर? ये नित्या बिलकॉम प्राइवेट लिमिटेड। तो एज आ सीनियर इंजीनियर क्या है आप? एज पर सीनियर इंजीनियर पोस्ट में मैं जा रहा हूँ। सीनियर इंजीनियर है। और इसमें से कुछ ऐसे भी बैठे हैं जिनकी सैलरी 20 के नीचे भी है, 20 के नीचे भी है, कुछ ऐसे बैठे हैं जिनकी सैलरी 20 प्लस के ऊपर है। आप तो एक्सपीरियंस से सर है ना, तो आप थोड़ा गाइड कीजिए कि आप सिविल गुरु जी आए, जो आप छोड़ के आए थे आप है ना, तो क्या अंतर नजर आया? अंतर बोले तो मेरे अंदर, मैं जिसके लिए आया, मेरे पास जो कॉन्फिडेंस का कमी था और जो हम मतलब कोई जगह पे इंटरव्यू देने के लिए मैं डरता था, जो मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन था, वो मेरा ग्रो हो गया है बहुत ज़्यादा। और ऐसा लगता है कि मैं कोई भी जगह जाऊंगा तो मैं जॉब। तो यहाँ का पैटर्न कैसा लगा आपको, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा और माहौल कैसा लगा? माहौल भी अच्छा है, पढ़ने का जगह भी अच्छा है, अगर कोई खुद से पढ़ाई करना चाहे तो वो कर सकता है आराम से, ऐसा बात नहीं। तो यहाँ से दिक्कतें वाली बात बता दो, पहली दिक्कत है कि यदि आप 2 महीना नहीं पढ़ोगे घंटा कुछ भी नहीं होने वाला, पैसा बर्बाद, 1 रुपये रिटर्न नहीं करने वाले। दूसरा चीज, यदि आप नहीं पढ़ोगे सर्टिफिकेट नहीं देने वाला, फर्जी करोगे क्या? तीसरी चीज, जॉब लगाना कभी सिविल गुरुजी ने बोला ही नहीं, ना मैं बोल रहा हूँ कभी भी नहीं लगाऊंगा जॉब, क्योंकि सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हम ट्रेनिंग देते प्लेसमेंट नहीं। तो यदि प्लेसमेंट के मोटिव से आ रहे हो प्लीज मत आना, हाथ दूर से नहीं भेजना। यदि आप पढ़ने के मोटिव से आ रहे हो तो रिजल्ट आपके सामने है। चलते हैं सोनू जी के पास। ये क्या रखे हो सोनू, अकेले खा लिया? नहीं सर, आपका भी रखा हुआ है। हमारा भी रखा, हमारे पास भी देखो इतना सारा लड्डू मिठाई बहुत सारे, ऊपर से आंटी भी आ गई थी अभी, अल्ला मल्ला हो रहा है ना, डीजे वीजे भी बंद करवा दिए सब, समझ रहे हो। तो सोनू आज कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है सर, जॉब मिल गया है। तो जिस मोटिव से है तो पूरा हुआ क्या? यस सर। पक्का? यस सर। तो अभी जाके जॉब लगना कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब में ग्रोथ कराना बड़ी बात है, ठीक है। तो अब मोनिका दी तो हमारी जानी नहीं चाहती हैं अभी है ना, आप हमारे सर बैठे हैं और आपके लिए ना एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताता हूँ। सर कौन से पास आउट हो? सर 2023। नौकरी कितने की मिली है? सर वो तो बता नहीं सकते कितने की मिली है, मतलब 20 प्लस है ना? हाँ सर 20 प्लस की है। क्या की हो? सर हाईवे में है सर। क्या की हो? डिप्लोमा बीटेक? डिप्लोमा किया है सर। जो बोलते हैं ना कि सर डिप्लोमा वाले को नौकरी नहीं मिलती, एग्जाम्पल है सर 2023 का बच्चा डिप्लोमा किया हुआ है और 20,000 के ऊपर की जॉब पाया हुआ। डिप्लोमा है ना जी सर, 2023 है ना, 2023। मतलब अभी बच्चा है यार, बच्चा। और 2 महीने अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है क्या? जी सर हो गए। आज हुई आज है, हुई आज। तो और 2 महीने ट्रेनिंग कंप्लीट होने के पहले यार 20,000 की जॉब पा रहा सामने वाला, डिस्क्लोज को नहीं करना चाहता था मैं है ना। और बिल्कुल, तो आप लोग जो सोच रहे हो घर में बैठ के सर डिप्लोमा वालों की जॉब लगेगी क्या, नहीं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी न लगी है न लगेगी। आप लोग बोलते हो सर सिविल गुरु जी में जॉब कभी नहीं लगती, कितनी पेमेंट है आपके ऊपर डिपेंड हो सकता है आपको 2,000 में कोई ना पूछे, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो मेरे ऊपर कोई जादू नहीं है। हर वीडियो में यही बोलता हूँ, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तीन ही चीज़ें। तो सर रहमान जी, सर मैं आपको पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने इस काबिल बनाया। ठीक है यार, थैंक यू वेरी मच। आपको आपने पढ़ा भटक रहा होता सर है ना, तो जिस मोटिव से आप आए थे वो मिला क्या आपको? जी सर मिला। अच्छा कभी मैं आपको बोला था जॉब दिलाऊंगा? नहीं, वो तो पहले दिन से आपने मना कर दिया था। मना कर दिया था ना, तो मैंने क्या बोला था आपको पहले दिन कि मेहनत करोगे तो जॉब छीन लोगे, मेहनत करोगे तो जॉब छीन लोगे, सिविल गुरुजी की कोई भी जवाबदारी जॉब लगाने की नहीं है। फाइनली छोटा छोटा यहाँ पास मैं कुंदन, क्या बोलना चाहोगे जितने देख रहे हैं आपको? यही बोलना चाह रहे हैं सर कि आप अगर जो करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपके पास स्किल्स होना जरूरी है, डिग्री नहीं सर। डिग्री मैटर नहीं करता, स्किल्स है तो वो मैटर करता है सर। मेरे पास डिग्री तो बहुत सारा है लेकिन ये स्किल्स नहीं है और मेरे अंदर, ठीक है मैं यहाँ आया BBSC का, एस्टिमेशन सीखा और वो सब सर कॉलेज में पढ़ा था बट बेसिक था। आपसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया? इंटरव्यू में मेरे को टेक्निकली क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारा,
जैसे मैं जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस था उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद भी जो मैं रिज्यूम बनाया था उसका बेस में क्वेश्चन पूरा पूछा गया है। बहुत बढ़िया है कि यहाँ पॉइंट निकल के आता आप लोग के लिए कि इंटरव्यू कहाँ से पूछता, अपना जो रिज्यूम रिज्यूमे होता। अच्छा, आप लोग एक पोर्टफोलियो बनाए थे, पोर्टफोलियो क्या पोर्टफोलियो काम आया इंडस्ट्री में? बहुत ज़्यादा काम आया सर, क्योंकि सर हम लोग को मैंने मालूम ही नहीं होता था कि एस्टिमेशन होता क्या है, बहुत कंफ्यूजन था कॉलेज में। क्या ये इंटरव्यू में काम आया? बिल्कुल काम आया सर, पक्का। हाँ, क्योंकि हम लोग दिखा पाए ना कि सर हमने एस्टिमेशन बनाया, हमने क्वांटिटी सर्वे बनाया, हमने हाईवे पे काम किया, इस तरह की चीज़ें हमने उनको प्रेजेंट किया, तो जो सामने वाला जो रिक्रूटर था उसको इम्प्रेस हुआ कि हाँ आपको काम आता है। और फिर सवाल जवाब भी हुए कि उन्होंने बहुत डेप्थ तक किया, मुझे 31 मिनट का इंटरव्यू लिया सर, बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड ने सर। अब मैंने सारे सवालों का डट के सामना किया जो मुझे नहीं आया। चलो, ये सवाल मैं कल की वीडियो में डालूंगा, पूरे एक एक सवाल क्या है, अभी लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा। और बस आपके तीन निवेदन करता हूं, पहली चीज सिविल गुरुजी तभी आओ जब पढ़ने का मन हो, यहाँ यहाँ कॉलेज नहीं है, राजनीति नहीं चलेगी, पहली चीज पैसा बर्बाद हो जाएगा। दूसरी चीज यदि आप यहाँ आते हो तो ईमानदारी से पढ़ना होगा यार। तीसरी चीज़ नहीं पढ़ोगे सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, इनको क्लियर कट ऑनलाइन बोल रहा हूँ। चौथी चीज़ ये भूल जाना कि मैं नौकरी दिलाऊंगा, क्योंकि मैं कभी नौकरी दिलाने के लिए बोला ही नहीं, बिल्कुल क्लियर कट। और रिजल्ट आपके आपके सामने हमारे सामने। हाँ, बेहतर ये होगा कि सर जो भी बच्चे आप लोग जो अभी कॉलेज में हैं तो कॉलेज में हम लोग अच्छे से पता है सर पढ़ाई किस टाइप की होती है, और मतलब पढ़ाई तो होती है पर जो कंपनी को चाहिए ना वो सर कॉर्पोरेट लेवल की पढ़ाई नहीं होती। तो आप अगर कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, एक डेढ़ साल आप वहाँ पे पढ़ाई करके आ जाइए सिविल गुरुजी में, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप डिफरेंस देख पाए कि आपके ट्रेनर कैसे पढ़ाते हैं और आपके कॉलेज में फैकल्टी कैसे पढ़ाते हैं। सिविल गुरुजी में कौन बताया था आने के लिए? सर मुझे केरला से मालूम चला था। वहाँ कौन थे? आप ही के स्टूडेंट थे। वहाँ हमारे इंजीनियर प्लेस थे, जहाँ पे भैया काम कर रहे थे हमारे भाई साहब, वहीं हमारे प्लेस इंजीनियर ने बताया कि भाई क्या हो रहा है कि सिविल गुरुजी में मतलब आपको एडमिशन करने के बारे में। छोड़ के क्यों आए फिर वहाँ से? सर मतलब जो मुझे जॉब में ऐसा लगा कि भाई ऐसा लग रहा है कि मैं एज ए सुपरवाइजर काम कर रहा हूँ, लग नहीं रहा कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लग नहीं रहा कि मैं एस्टिमेशन कर पा रहा हूँ, मतलब कोई वो सर जो स्वैग होता है ना उस टाइप का नहीं मिल पा रहा था मुझे सर। आप क्या लग रहा है? आप सर आप कॉन्फिडेंट है कि सर हम किसी कंपनी में अपने आप को बोल सकते हैं कि मुझे BBS आता है सर, मैं एस्टिमेशन आपको बना के दे सकता हूँ, एक दावे से कह सकता हूँ कि सर मैं कर सकता हूँ, लेकिन कल तक मैं नहीं बोल पाता सर कि मुझे कुछ आता भी है। क्या इनमें एक्सपीरियंस लोग कितने हैं जो जॉब छोड़ के आए थे? अरफाज सर, आप कुंदन, ये चार लोग हैं सर। क्यों आए थे गुरुजी छोड़ के? अरफाज सर, हम लोग मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा था, जिस ग्रोथ नहीं हो रहा था तो इसके लिए हमको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, और मैंने यूट्यूब में देखा, यूट्यूब से देख के फिर मैंने सोचा, फिर आया मैं सिविल गुरुजी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। मेरे कंपनी में एक मौका भी मिल रहा था मुझे कि आप BBS बना के दिखाओ, आप सर्टिफिकेट निकाल के दिखाओ, आपको ये एस्टिमेशन ये क्वांटिटी सर्वे करो, तो मुझे नहीं आता था सर। तो मैं सोचा कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो फिर सिविल गुरुजी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, मैंने काफ़ी दिन तक उसके बारे में सोच रखा था 2018 से सर। बहुत बढ़िया, इतने लोग हैं एक्सपीरियंस फ्रेशर में भी, 2023 यहाँ बहुत बंदे हैं। आप सर कौन सी ईयर पास आउट हो? 2021 इनकी भी प्लेसमेंट है। अल्टीमेट यदि आपको भी ट्रेनिंग करना तो आप फोन उठाओ, जिसमें हाय हेलो जो भी बोलते हो, है ना, नंबर लगाओ 7983604377, इसमें आप कॉल कर सकते हो। पहली बोल देता हूँ, जॉब लेने के लिए फ़ोन मत लगाना, टाइम मत बर्बाद करना यार, सीखने के लिए फ़ोन लगाना है। सो अभी बंद करते हैं वीडियो को, क्योंकि सर लोगों को जाना है हमारे, सबका इनका सर विदाई है। तो यही है यार, अल्टीमेट क्या बोलना चाहोगे फिर बंद कर दिए वीडियो? अल्टीमेट सब लोग क्या बोलना चाहोगे? खड़े हो जाओ। इंजीनियर जो देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं और एक बेहतर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको सिविल गुरुजी जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आप जब कॉलेज से निकलते हैं तो आप फ्रेशर होते हैं, और फ्रेशर को जल्दी तवज्जो नहीं देती कंपनी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अब ये वीडियो यहीं पास एंड करते हैं, आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। आप लोग भी एक बार भाई बोल दो यार, है ना, और ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं यार, आज जा रहे हैं, इनको जाने देने का मन तो नहीं हो रहा मेरा, पर अब क्या करें, है ना, जाना ही है। तो आप लोग कोई कभी भूलोगे तो नहीं यार हमें? ऐसा तो कोई नहीं है कोई भूल जाए कि अब्लास सर कौन है कैसे हैं? आप हमें याद रखिएगा। अरे मैं तो हमेशा दुआओं में याद रखूंगा, कोई इशू होता आप हमें कॉल करना। सो और आप हम लोग के लिए दुआ करते रहे कि सर हम और भी आगे बढ़े। बिल्कुल यार, आप सभी के लिए दुआ कर रहा हूँ। जॉब पाना कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब में ग्रोथ कराना ही बड़ी बात है, बार बार यही बोलता हूँ, अभी भी यही बोलता हूँ।
प्लीज़ एक बार फिर से बोलता हूँ, जॉब के लिए मत आना मत आना मत आना, पढ़ने के लिए आना। जॉब के लिए आओगे, जॉब तो मिलेगी नहीं, सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगी, पैसा भी हो जाएगा बर्बाद, और माँ बाप जो गलियाएँगे यहाँ से लौट के जाओगे अलग, ठीक है ना। सो अलविदा चाहूँगा आप सभी से, मिलता हूँ इसी जोश और जुनून के साथ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इंजीनियर